हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और ये जो एक्सेल सीट जो बनाई है वो है गैस पाइप की जो सप्लाई करते हैं, कनेक्शंस करते हैं उनके लिए। इसमें आप अपनी डेली की सेल दिखा सकते हैं, स्टॉक अपने आप मेंटेन हो जाएगा आपका। डेली इश्यू जो आप प्लम्बर को डेली सामान इश्यू करते हैं उसकी पूरी डिटेल आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं और आप परचेज भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। डेट डाल देनी है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर एक्स वाई जेड जो भी वो डाल देना है, क्लाइंट का नाम किसका है, ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। उसके बाद में हाउस नंबर, कॉलोनी कौन सी है और मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर नंबर आपको डाल देना है। तो जो भी आप मीटर नंबर डालोगे तो उससे ये एक क्वांटिटी पकड़ लेगा, मतलब एक कस्टमर है और ये मीटर नंबर है तो मतलब एक मीटर सेल हुआ है। ठीक है, नंबर चाहे कुछ भी हो। उसी तरीके से रेगुलेटर नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तो जैसे कितने पाइप लगे, जैसे दो पाइप लगे, दो क्लैंप लगे, दो एल्बो लगे, दो सॉकेट लगे, दो टाई लगी, ठीक है। जो भी आइटम हो वो आप देख लेना और एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। स्टॉक में से जो आइटम है आपको एडिट करना तो एडिट कर सकते हो। जो आइटम यहाँ लिखे हैं वही सब जगह जाएंगे, यहाँ पर भी वही आइटम आ जाएंगे, यहाँ पर भी वही आइटम रहेंगे, तो यहाँ पर भी वही आइटम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से सेल गिनती कर सकते हो। 50 आइटम मैंने इसमें डाले हैं तो आप 50 तक इसमें आसानी से डाल सकते हो। उसके बाद में प्लम्बर का नाम डाल सकते हो, ठीक है, टेस्टिंग हुई है जो डाल सकते हो, PPI नेम डाल सकते हो, डिमांड जो है डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपकी सेल बुक जो है मेंटेन होगी। तो स्टॉक में देखेंगे तो देखिए मीटर एक सेल हुआ है, रेगुलेटर एक सेल हुआ है, पाइप दो हुए हैं, क्लेम दो हुए हैं, ठीक है। स्टॉक अपना माइनस में, बिकॉज क्योंकि अपन ने ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाया। तो ओपनिंग स्टॉक एक बार 10 पीस सब पकड़ लेते हैं, ठीक है, जो जितने आइटम अपने पास है। इस तरीके से आप जो ओपनिंग स्टॉक दिखा देना पहले कि कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद में जब भी आप परचेज करें तो परचेज की एंट्री सेम टू सेम, ये कोई ज़्यादा विशेष इसमें है नहीं। फ्रॉम पार्टी, किस पार्टी इसकी बिलिंग है उसके नाम से कर सकते हो आप। उसके बाद में बिल नंबर जो भी है वो डाल देना। उसके बाद में सेम आ गया क्वांटिटी, कितने मीटर आपने परचेज किए, कितने रेगुलेटर, कितने राइजर, कितने क्लेम, ठीक है, इस तरीके से आप डाल देना। तो देखिए स्टॉक में परचेज आ जाएगी, ये परचेज आ गई, 10-10 पीस आपने परचेज कर लिए, ठीक है। और उसके बाद में परचेज हो गया, सेल हो गया, तो क्लोजिंग क्वांटिटी आ जाएगी। अब डेली इशू, कई बार स्टॉक में क्या होता है अपन डेली प्लम्बर को इशू करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे 13 तारीख को, ठीक है, प्लम्बर नेम जो भी है वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। और मान लो इसको मैंने 5 मीटर इशू कर रखे, इतने रेगुलेटर, ये सब चीज़ें इशू कर रखी, ठीक है। तो ये आपके स्टॉक में यहाँ पर देखिए डेली इशू में दिखा के स्टॉक इन हैंड दिखा देगा कि आपके हाथ में इतना ही स्टॉक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मान लो राम ने इतने इतने आइटम वो ले रखे हैं, उसके नाम चढ़े हुए हैं, लेकिन ये जब हिसाब देता है तो अपन कैसे एंट्री करेंगे। तो वापस मान लो ये 15 तारीख को अपने को हिसाब दे दिया तो अपन इस राम में नाम डाल देंगे, ठीक है। और मान लो इसने 3 मीटर का हिसाब दे दिया, 2 इसका दे दिया, 2 इसका, ठीक है। तो क्या करना है, माइनस कर देना है, -3 कर दिया, -2 कर दिया, -2 कर दिया, -2 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या राम का जो अकाउंट है वो क्लियर होता जाएगा। अभी अगर अपन देखेंगे तो डेली लिस्ट में 2 अभी मीटर बाकी हैं, ठीक है। अगर ये 5 के 5 का हिसाब दे देता है तो यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और शेयर आप करते तो है नहीं वैसे, नए सब्सक्राइब करते हैं, फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कर दीजिए, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए और अपना भी थोड़ा हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, शेयर, रिमेंबर इट।